अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस एथिक्स MGT 610 के GDP के आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो GDP आई है वो क्या है। देखें, MGT 610 बिज़नेस एथिक्स है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है ये कोर्स। इसकी जो GDP आई है उसमें डिस्कशन क्वेश्चन है कि कल्चरल रिलेटिविज़म के बाद में बात हो रही है। उसमें कहा जा रहा है कल्चरल रिलेटिविज्म की सिंपल सी वर्ड ये बात ये होती है कि वर्ड सच इज़ राइट एंड रॉन्ग, जस्टिस एंड इनजस्टिस ड्राइव देयर मीनिंग एंड वैल्यू फ्रॉम एट्रीब्यूट ऑफ गिवन कल्चर। ये डोनाल्डसन ने 1989 में कहा था कि कल्चरल रिलेटिविज्म में ये होता है कि बाज़ चीज़ें जो हैं वो एक कल्चर में सही समझी जाती हैं जबकि वो दूसरे कल्चर में बुरी समझी जाती हैं। जैसे कि हम मिसाल ले लेते हैं कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो है वो हिजाब करती हैं, शरई पर्दा करती हैं और कुछ नहीं करती हैं जैसे जैसे, और वेस्ट में जो है उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझा जाता। जैसे अक्सर हम न्यूज़ भी सुन रहे होते हैं कि हिजाब लगाने से मना कर दिया और इस तरीके के मामलात हो रहे होते हैं। जैसे अल्कोहल है या लीकर कंजम्पशन है कि हमारे यहाँ शराब की ममानियत है, शराब नहीं पीने देते, मना है हमारे यहाँ, हमारा दीन इस्लाम भी मना करता है और कंट्री लेवल पर भी इस पर पाबंदी है इसकी इम्पोर्ट पे भी और सारी चीज़ों पे। ठीक है, तो ये दो मिसालें हो गई कि कुछ चीज़, लेकिन वेस्ट में जो है इसके बरक्स वो लोग पीते भी हैं और सारी चीज़ें उनका हिस्सा है। खैर, ये सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि वो बोल रहे हैं क्वेश्चन ये है कि डिस्कस विच स्टेप शुड बी अडोप्टेड बाय द कंपनीज टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर एथिकल स्टैंडर्ड इंटरनेशनली। यानी कि जो मेन चीज़ है यहाँ पर जो समझने की है वो ये है कि इंटरनेशनली जो बात हो रही है ना, ये देखें एथिकल स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली, यानी कि आपने GDP के अंदर जो आंसर देना है, जो पॉइंट्स लिखने हैं आपने, वो लिखने हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो पूरी जगहों पे। यानी कि पूरी दुनिया में कहीं भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन बिज़नेस जाके करे तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि द आर्टिकल अवेलेबल इन डाउनलोड सेक्शन LMS बिज़नेस एथिक्स कॉपिंग इट इज़ फ्रॉम द आर्टिकल और एनी अदर सोर्सेज वुड बी कंसिडर्ड एज चीटिंग एंड वुड बी ग्रेडेड एज 0 marks। यानी कि अगर LMS के डाउनलोड सेक्शन में कुछ आर्टिकल्स वगैरह दिए हुए, अगर आप वो पढ़ लेते हैं या उससे आंसर अपना कॉपी करके, उससे बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करके आप आंसर लिख देते हैं तो वो गलत होगा। ये कह रहे हैं कहीं से भी आप कॉपी करेंगे तो वो ये गलत हो जाएगा। तो और दूसरा प्लेजरिज्म जो है चेक करते हैं, GDP जो है वो बहुत एहतियातन आपको करनी चाहिए क्योंकि इसका आंसर जो है वो चेकआउट कर लेते हैं जाके प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि GDP का रिजल्ट बहुत देर से आता है। दूसरा ये बता रहे हैं कि डिस्कशन मस्ट बी लॉजिकल फैक्ट्स होना चाहिए और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ में आपको इतना ज़्यादा डिफाइन क्यों कर रहा हूँ, इसमें ये नहीं दिया हुआ कि आपका आंसर जो है इतने वर्ड्स पे होना चाहिए। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जितना बड़ा आंसर चाहे लिख सकते हैं और जितना ज़्यादा सोल्यूशन जो है वो आप दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो लेकिन कोशिश करें कि आप मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करें। तो इसमें मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने किस तरीके से करना है, बिज़नेस एथिक्स की डेफिनेशन जो है इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट गवर्निंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप, यानी कि जो असूल बनाए जाते हैं जिससे आप कंडक्ट कर सकते हैं या काम करवा सकते हैं एक बंदे से, यानी कि एक ज़िंदगी के असूल जैसे आप बनाते हैं। जैसे आप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, सारी चीज़ें लेके चल रहे होते हैं, या माँ बाप एक बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं, जो असूल बनाते हैं सारी चीज़ें वो। और दूसरा जो एक कंपनी में जब आप काम कर रहे हो तो कंपनी के रूल्स एंड प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ जो होती हैं काम करने की वो। तो आप एक डेफिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग गवर्निंग इंडिविजुअल और अ ग्रुप। इससे आप हैंडआउट से बिल्कुल सेम लिख सकते हैं कि एज़ वी नो बिजनेस एथिक्स इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग गवर्निंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप। आप यहाँ से डेफिनेशन दे सकते हैं। दूसरा कल्चरल रिलेटिविज्म की आप थोड़ी सी बात कर सकते हैं। जैसे कल्चरल रिलेटिविज्म Lecture No. 3 के अंदर दिया हुआ है, ये रहा Lecture No. 3 यहाँ पे, और Lecture No. 3 से ही आई है ये GDP। कल्चरल रिलेटिविज्म असर्ट दैट मोरालिटी वेरीज फ्रॉम कल्चर टू अनदर सिंस सिमिलर प्रैक्टिस आर रिगार्डेड एज राइट इन सम कल्चर एंड रॉन्ग इन सम अदर। जो हमने पीछे बात की कि कुछ कल्चर्स में जो है वो चीज़ें ठीक होती हैं और कुछ कल्चर्स में गलत होती हैं। जैसा ये ओल्ड मुहावरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये बड़ा ज़बरदस्त है कि वैन इन रोम डू एज अ रोमेंस डू, या आप इसको ऐसे कर लें वैन इन पाकिस्तान डू एज अ पाकिस्तानीज डू। यानी कि जब आप पाकिस्तान में हैं या आप किसी भी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे एक पाकिस्तानी है वो रोम में जाके बिजनेस करना चाहता है तो उसको वहाँ पे वही कुछ करना चाहिए जो कि रोमन्स करते हैं। ठीक है, तो वहाँ की होस्ट कंट्रीज़ की सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। अब मैं पढ़ता हूँ आपको आइडियल सॉल्यूशन, बताता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन दे सकते हैं बिज़नेस एथिक्स और कल्चरल रिलेटिविज़म की। मैंने आपको बता दिया बिज़नेस एथिक्स की डेफिनेशन आपको Lecture No. 1 से मिल जाएगी और कल्चरल रिलेटिविज़म की डेफिनेशन जो है वो आपको Lecture No. 3 से मिल जाएगी। बिजनेस एथिक्स द आर्ट ऑफ गवर्निंग पीपल, द प्रिंसिपल बाय विच वी कैन गवर्न एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये हो गया। कल्चरल रिलेटिविज्म समथिंग इज राइट
इन सम कल्चर एंड द सेम थिंग इज़ रॉन्ग इन अनदर कल्चर। ये सिर्फ सिंपल सी कल्चरल रिलेटिविज्म की डेफिनेशन हो गई। ये पॉइंट वन आपका बन जाएगा। उसके बाद आप वैल्यूज़ की बात करेंगे, वैल्यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। आप दे देंगे कि पॉइंट नंबर वन पे आपने बिजनेस एथिक की डेफिनेशन दे दी, पॉइंट नंबर टू पे आपने, यानी कि आपने डेफिनेशन की हेडिंग दी, उसके नीचे बिजनेस एथिक्स लिखा, उसकी डेफिनेशन छोटी सी लिख दी ब्रैकेट में, कल्चरल रिलेटिविज्म लिखा, उसकी ब्रैकेट में डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद आप आ गए वैल्यूज़ के ऊपर। वैल्यूज़ के आपने वैल्यूज़ ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट इंटरनेशनली, ये आपने हेडिंग दी और उसके नीचे लिख दिया कि भाई जस्टिस एंड, जैसे आप मिसाल दे सकते हैं कि भाई जस्टिस होने चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ में और लोगों के दरमियान नाइंसाफ़ी ना करें, यानी कि पे लाइन बिल्कुल इक्वल दे, सारी चीज़ें सब कुछ करें, यानी कि वैल्यूज़ हों। वो एक पॉलिसी बनाए कि भाई अगर जैसे एक ड्रेस कोड की पॉलिसी है तो वो ड्रेस कोड वैसा बनाए जैसे पाकिस्तान में लोग शलवार कमीज़ भी पहनते हैं, या पेंट शर्ट पहनना भी मायूब नहीं समझा जाता, लेकिन आप फीमेल को पाबंद ना करें कि भाई आपने पेंट शर्ट में ही आना है। यानी कि ड्रेस कोड ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए आप पेंट शर्ट बना दें और बोले कि भाई हमारी वैल्यूज़ में है कि आपने इस तरीके के ड्रेसेस में आना है, तो ऐसे आप पाबंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो वैल्यूज़ में आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे वैल्यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, दो तीन वैल्यूज़ उठाएं और उनकी डेफिनेशन लिखते हैं। उसके बाद ये मुहावरा जो मैंने आपको दिखाया, वैन इन रूम डू एज रोमन डू, आप देख सकते हैं कि इन अवर हैंड आउट देर इज़ एन ओल्ड अडेक, वैन इन रूम डू एज रोमन डू, इफ़ एन एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ विच होस्ट कंट्री इज़ रूम एंड दे वॉन्ट टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान, दे मस्ट डू वैन इन पाकिस्तान डू एज द पाकिस्तानीज डू। और आप नीचे दो तीन मिसालें लिख सकते हैं कि भाई पाकिस्तान में जो है वो लीकर हराम है, यानी शराब हराम है, आप एल्कोहल प्रोडक्शन नहीं कर सकते, या अल्कोहल आप वेस्ट से लोग आए हैं वहाँ पीना बिल्कुल जायज़ है, वो लोग पीते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो अपने में भी प्रमोट करना शुरू कर देंगे भाई आप लोग भी पिए, मैनेजमेंट एम्प्लॉय जैसे दोस्ती यारी हो जाती, तो उस तरीके से आप करना शुरू कर दें। तो आप दो तीन एग्जाम्पल, आप ये मुहावरा अपनी जीडीपी में कहीं फिट कर सकते हैं और उसके ऊपर एक दो लाइनें लिख सकते हैं। उसके बाद रिस्पेक्ट है, आप रिस्पेक्ट की हेडिंग दे सकते हैं या रिस्पेक्ट से दो तीन पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई होस्ट कंट्री जो है, होस्ट कंट्री के आप कल्चर्स की आपको रिस्पेक्ट करनी है, आपको लॉज की रिस्पेक्ट करनी है, आपको पीपल्स की रिस्पेक्ट करनी है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा हो, जैसे बाहर से बाहर मुल्क हैं वहाँ पे पुअर्स के साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं किया जाता, लेकिन हमारी कंट्री में अखलाकियात हैं, हमारा दीन इस्लाम हमें अखलाक सिखाता है, तो उस चीज़ों को देते हैं। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्ट में आप लिख सकते हैं कि जो पुअर पीपल है उनके लिए चैरिटी कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन, जब वो प्रॉफिट उठा रही है यहाँ के लोगों से तो वो चैरिटी कर सकती है, लॉज को फॉलो करे। जैसे हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट लॉ है कि भाई 18 ईयर से कम लोगों को जॉब नहीं दे सकते, तो उस लॉ को फॉलो करना चाहिए। हमारा कल्चर है कि ईद के वक्त छुट्टियाँ होती हैं, तो वो कंट्री बोले कि भाई हमें ईद के त्यौहार से कोई लेना देना नहीं है, आपने काम पर आना है, तो वो कल्चरल हमारे कल्चरल लेवल जो हमारे कल्चरल त्यौहार है उन पे हमें छुट्टी दे और वो गिफ्ट्स वगैरह सारी चीज़ें, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप दे सकते हैं कि भाई होस्ट कंट्री जहाँ पे आप कर रहे हैं उसकी इकोनॉमी के प्रमोट के लिए आप हेल्प करें, यानी कि यहाँ से आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कंट्री में, जैसे कॉटन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो एक कंट्री जो बाहर से आई है वो यहाँ पर हमारे पास कपड़े बना सकती है और यहाँ से वो एक्सपोर्ट करके बाहर ले जा सकती है, उससे क्या होगा, ज़र मुबादला हमारी कंट्री में आएगा, डॉलर्स हमारी कंट्री में आएंगे, हमारी इकोनॉमी मूव करेगी। एम्प्लॉयज़ को जो है वो देख रही हैं कि ये हमारे बेस्ट इंप्लॉयज़ हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, तो इन इंप्लॉयज़ को प्रमोट करके वो अपनी होस्ट कंट्रीज़ में ले जा सकते हैं। जैसे एक अमेरिकन कंट्री है, अमेरिकन कंपनी है और वो पाकिस्तान में कर रही है, और पाकिस्तानी एक आउटस्टैंडिंग इंप्लॉय है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उस इंप्लॉय को वो बाहर ट्रांसफ़र कर सकती है, और वो जब बाहर जाएगा वहाँ मेहनत करेगा, सारी चीज़ें करेगा, सीखेगा, तो फिर उसकी इनकम भी अच्छी होगी, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, वो अपनी फैमिली को सिखाएगा पढ़ाएगा, और एक वक्त आएगा कि वो लोग अच्छा करेंगे और वो यहाँ पे भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, और पीपल्स के लिए अच्छा कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, तो ये आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आप देख के और इनके एक एक पॉइंट भी लिखेंगे तो आपके 5-6 पॉइंट बन जाएंगे, 5-6 पॉइंट इनफ है। दूसरा, ये एंड में मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको, जीडीपी मैंने दो से काफ़ी दिन, 1-2 दिन हो गए आए हुए, लेकिन मैंने आज इसका सोल्यूशन अपलोड किया है। इसकी वजह यह है कि आज आप देख रहे हैं कि 31 मई है, 31 मई 9:12 हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है, और ये मेरे चैनल का लोगो भी आ रहा है। तो अभी मैंने आज अपना जीटीपी अपलोड किया है, मैं आपको सोल्यूशन तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बिल्कुल सेम हो जाएगा, लेकिन जिस दिन मैंने खुद सोल्यूशन बनाया, मुझे आइडिया आ गया, पूरी रिसर्च कर ली, सब कुछ कर ली, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जीडीपी क्विज असाइनमेंट ये बड़े की फैक्टर्स होते हैं कि आप घर में बैठ के रिसर्च करके आप इनको कर सकते हैं, तो ये मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सीजीपीए में अच्छा वो करते हैं। तो बहुत ज़्यादा
मैंने कोशिश की है कि एक आइडियल सोल्यूशन आपको दे सकूं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब में आपका सिर्फ एक सेकंड लगेगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए, और इससे हमें हिम्मत मिलेगी, हम मोटिवेट होंगे कि मज़ीद आपके लिए वीडियोज़ बनाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।